नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील और आज से शुरू हो रहा है आपका फेवरेट प्रोग्राम सिनेमास्कोप रिव्यूज का सीजन 2। एक नए अंदाज में, एक नए कलेवर में आज के इस पहले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा कर रखी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्विड गेम। इस फिल्म पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं देश के सबसे सेलिब्रेटेड फिल्म क्रिटिक्स में से एक, मुर्तजा अली खान जी। साथ ही पैनल में मेरे साथ हैं फिल्म मेकर प्रशीन क्यावल, फिल्म क्रिटिक अहवान पदे और सजीव सारथी। तो लीजिए सुनिए इस दिलचस्प चर्चा को आज के एपिसोड में। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस मंच पर आप सबका स्वागत है जहां पे हम किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे पैनल के साथ। और आज हमारे पैनल पर हैं बहुत ही मशहूर इंडिया के फिल्म क्रिटिक्स मुर्तजा अली खान। मुर्तजा जी जो हैं उनके आर्टिकल्स जो हैं पूरे देश के जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे एज ए क्रिटिक्स छपते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक हैं। और आज हम एक वेब सीरीज का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्विड गेम और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे, मुर्तजा जी को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कि वो प्रोसीडिंग को आगे लेके चलें और हमें इस सीरीज़ के बारे में बताएं और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको बताएं कि ये सीरीज़ इसमें क्या खासियत है और ये हमें क्यों देखी जानी चाहिए। तो ओवर टू यू मुर्तजा भाई, यू टेक द स्टेज नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और हम एक ऐसे शो की बात कर रहे हैं जिसने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा ओपनिंग वाला शो बन गया है। ब्रिजर्टन जो इससे पहले सबसे बड़ा शो था उसको इसने पीछे छोड़ दिया है। 28 दिन के अंदर 101 मिलियन व्यूज की हम बात कर रहे हैं और इसलिए ये बन गया है नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे बड़ा शो। और ये साउथ कोरियन शो है यानी कि एशियन शो है। तो एक और खास बात है इसके बारे में, अभी तक जो नेटफ्लिक्स के बड़े बड़े शोज आ रहे थे ज़्यादातर अमेरिकन स्पेस से आ रहे थे या यूरोपियन स्पेस से आ रहे थे, अगर हम मनी हाइस्ट की बात करें तो ये एशिया से इतना बड़ा शो आया है और अब तक का सबसे बड़ा शो आया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं हमेशा से बतौर क्रिटिक एशियन सिनेमा और एशियन कंटेंट जो है उसको मैं हमेशा से मानता हूँ क्रिएटिविटी के टर्म्स में काफ़ी आगे वेस्टर्न कंटेंट से। मैंने बहुत सारे प्रोफेसर सिनेमा एक्सपर्ट से भी बात करी है और वो भी इस बात से सहमत हैं कि कई बार अमेरिकन जो कंटेंट होता है उसमें प्रेडिक्टिविटी होती है लेकिन जो एशियन कंटेंट होता है वो हमेशा आपको सरप्राइज करता रहता है। यहाँ पे हम चाहे जापनी सिनेमा की बात करें, चाहे साउथ कोरियन सिनेमा की बात करें और इंडियन सिनेमा का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिच ट्रेडिशन रहा है। ईरानियन सिनेमा को हम जानते हैं, टर्किश सिनेमा भी यू नो काफ़ी हद तक एशियन सिनेमा की ही लीग में आगे जाता है उसको लेकर। लेकिन खास तौर पे ये जो स्क्विड गेम आया है ये इतना बड़ा फिनोमेना इसलिए है कि इसने हर तरह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और किसी ने भी नहीं सोचा था, नेटफ्लिक्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये पूरी दुनिया में इतना बड़ा शो बन जाएगा। इसका आइडिया था कि हाँ शायद साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा शो बनेगा ये, लेकिन इसका किसी को अनुमान नहीं था कि यूनिवर्सली ग्लोबली ये इतना बड़ा शो बन जाएगा। और उसका एक रीजन ये भी है कि जो इसके डायरेक्टर हैं हुआंग, वो तकरीबन 10 से 11 साल से इस स्क्रिप्ट को लेके बैठे हुए थे और कोई भी स्क्रिप्ट पे काम करने को तैयार नहीं था। सारे प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया था, एक्टर्स ने मना कर दिया था कि बहुत ही अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा है तो हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनके लिए वर्क नहीं करेगा। 2009 की बात है जब उन्होंने इसकी फ्लोट करना शुरू करी थी और तब ये एक मूवी का फॉर्म में था। सीरीज ये धीरे धीरे बनी 2019 में जब नेटफ्लिक्स ने इंटरेस्ट दिखाया और बातचीत शुरू हुई और हुआंग को बोला कि इसको मूवी की जगह आप एक सीरीज का फॉर्म दीजिए और फिर ये 9 एपिसोड की सीरीज बन के तैयार हुई। तो हुआंग खुद बताते हैं कि जब 2009 में वो स्क्रिप्ट लेके सबके पास जाते थे वो रिजेक्ट इसलिए हो जाती थी कि जो इसमें दिखाया जा रहा है सीरीज में वो बहुत ही अनरियलिस्टिक माना जा रहा था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपने आप को मरवाने तक को तैयार हो जाएगा चंद पैसों के लिए या इस केस में ढेर सारे पैसों के लिए।
लेकिन हुआ क्या कि धीरे 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 10 साल में जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, थोड़ी थोड़ी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये ग्लोबली बढ़ी है, ये हमने देखा है। और स्पेशली लास्ट के 2 सालों में जब COVID-19 का पेंडेमिक आया तो जो अमीर गरीब के बीच की जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आज बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, और इन जनरल जिन लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भी, उसके बाद भी उन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है क्योंकि कुछ पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। हमने देखा फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, अब वैक्सीन लग गई, उसके बाद भी एक अनसर्टेनिटी है, डायलेमा है, लोगों के मन में डर है, अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो निकलना चाह रहे हैं बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी कुछ जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। तो बहुत बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना किया दुनिया ने। तो पिछले 2-3 सालों में जो दुनिया ने देखा उसके बाद समवेयर ये हुआंग खुद कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इसका स्क्विड गेम का, ये ज्यादा रेलिवेंट हो गया है, और जो एक वक्त में अनरियलिस्टिक माना जाता था या जो एक वक्त में बिलीवेबल नहीं माना जाता था, सडनली बहुत रियलिस्टिक और बहुत रिलेटेबल हो गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस गेम में 456 लोग, ज्यादातर ये मिसफिट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, गैम्बलर्स हैं, स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स हैं, जिन पे बहुत ज्यादा उधार है और सोसाइटी इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये सारे लोग एक इस गेम शो में आते हैं जिसका नाम स्क्विड गेम है, और वहां पे बच्चों के गेम खेलते हैं पर जिनमें जानलेवा पेनल्टीज हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपकी जान जा सकती है, आपको हमेशा के लिए अपने इस जो हमारी ये जो बॉडी है जिसको हम कहते हैं कि हमारा एक वेश है, इसको छोड़ के परलोक से धारना पड़ सकता है, और बहुत ही ब्रूटल वे में ये सब चीजें होती हैं। और गेम बच्चों के हैं लेकिन जो उसके रेपरकशंस हैं वो रियल हैं, और जान खोनी पड़ सकती है, आपको अपने बॉडी के पार्ट्स गंवाने पड़ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत ज्यादा टफ सिनारियोज हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग जो बाहरी दुनिया वहां, या तो इनको खतरा होता है जेल जाने का, ज्यादातर लोग जेल में रह के आए हैं, ज्यादातर लोग जेल जाने की कगार पर हैं, बहुत सारे लोग उधार के अंदर दबे हुए हैं, किसी को जो इसके नायक हैं सियोंग जी हून जो हैं, जो नंबर 456 का इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्लेयर का, उनकी जो बेटी है वो अब उनसे अलग होने वाली है, उनका तलाक हो चुका है, और उनकी बीवी जो है अपने जो नए हस्बैंड है उनके साथ अमेरिका मूव कर रही है, तो ऐसा सिचुएशन उनके लिए बन रही है कि आगे जाके वो अपनी बेटी से कभी भी नहीं मिल पाएंगे और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएंगे। साथ उनकी बूढ़ी माँ है जिसको डायबिटीज है, जिनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो बहुत ही डायर सर्कमस्टांसिस में है। उसी तरह से इसकी जो दूसरी प्रोटैगनिस्ट है कैंग सी बेओक जो है, जो प्लेयर नंबर 67 है, वो नॉर्थ कोरिया से आई हुई एक रेफ्यूजी है, जिनकी माँ अभी भी नॉर्थ कोरिया की किसी जेल में बंद है, और उनका बेटा, उनका यानी कि जो छोटा भाई है नंबर 67 का, वो एक अनाथ आश्रम में है। तो अब ये को चाहिए पैसे, इस पैसे के थ्रू ये उनको जेल से निकलवाना चाहती हैं, अपनी माँ को और अपने जो भाई है उसको एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं। तो रेफ्यूजी का क्राइसिस जो है वो बहुत हमने देखा है पिछले कुछ सालों में अलग अलग जगह पे, अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करें, चाहे हम म्यांमार में जो रोहिंग्यास के साथ हुआ, और ग्लोबली एक रेफ्यूजी जो क्राइसिस है वो बहुत रेलिवेंट क्राइसिस है और उसी का ही एक्सटेंशन है। साथ ही इसमें एक इंडियन एक्टर भी हैं जिनका नाम अनुपम त्रिपाठी हैं, जो कि अली नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और ये रातों रात स्टार बन गए इस शो की वजह से। और उनका भी कुछ रेफ्यूजी वाला ही मामला है, ये एक पाकिस्तानी रेफ्यूजी का रोल प्ले कर रहे हैं जो इलीगली कोरिया में रह रहा है, और अब ये भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी है, इसके कागज वगैरह की भी इसको इश्यू है, तो इसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इस जानलेवा गेम में हिस्सा ले और किसी तरह से पैसे कमा के बाहर निकले, या फिर हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहे या निकाल दिया जाए उस देश से। तो बहुत ही डायर स्टेट्स में है जितने के हमारे कैरेक्टर्स हैं, और इनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, और ये अपनी जान तक दांव पे लगाने को तैयार है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग इन कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाए। अगर हम सियोंग जी हून की बात करें तो जो उसकी गरीबी है, जो उसकी मजबूरी है, उसके साथ आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अगर हम अनुपम त्रिपाठी का कैरेक्टर जो अली है उसके साथ रिलेट करें, जो उसका वो माइग्रेंट वाली जो पेन है उसके साथ बहुत लोगों ने रिलेट किया। अगर हम कैंग सी बियोक की बात करें तो उनका जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला एंगल है, और किस तरह से वो अपनी माँ और अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो एक इमोशंस जो हैं वो बहुत रियलिस्टिक हैं इस शो में, भले ही बहुत ज्यादा डार्क स्पेस में हो, लेकिन अल्टीमेटली जो कैरेक्टर्स हैं बहुत बहुत बिलीवेबल हैं। और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है ये इतना बड़ा शो क्यों बना है नेटफ्लिक्स के लिए,
और आई थिंक ये बढ़ता ही जाएगा। इसका नंबर 111 मिलियन की मैंने बात करी है और ये नंबर आगे बढ़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इससे बड़ा कोई शो होने वाला है। तो तकरीबन 2 से 3 महीने में उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, और फिर अभी से ही लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं इसके सेकंड सीजन के। हालांकि जो इसके डायरेक्टर हैं हुआंग, उन्होंने कहा है कि अभी वो कोई जल्दी में नहीं है सेकंड सीजन को लेकर, लेकिन जितना बड़ा सक्सेसफुल रहा है शो, मुझे यकीन है इसका सेकंड सीजन आएगा। शायद फौरन ना आए, लेकिन सूनर और लेटर इसका सेकंड सीजन आएगा। सजीव जी, हाँ मुर्तजा भाई, ये वाकई बहुत बड़ा फिनोमिना बन चुका है और इतने लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। आई थिंक आपने जैसे बताया कि शायद ये मनी हाइस्ट से भी बड़ा वेब सीरीज बन चुका है आज के डेट में, मतलब पॉपुलैरिटी के मायने में। बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात ये कि एशिया से निकला ये शो। जी जी जी। और इसमें हम लोग इंडियंस भी काफी अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। इवन कई सारे गेम्स ऐसे हैं जो शायद हम लोग भी बचपन में खेले हैं, जैसे कंचो का गेम है इसके अंदर, कलीजोटा वगैरह। जी तो ये काफी रिलेटेबल है और काफी काफी कॉन्सेप्ट भी काफी डीप थॉटेड है, मतलब बहुत अच्छा है कि किस तरह से एक रिच और पुअर का जो गैप है वो, जैसे अभी आपने बताया कि आफ्टर कोरोना, वो बहुत रिलेवेंट भी हो गया है और दैट इज वेरी ब्यूटिफुली डिपेक्टेड। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इसके अंदर जो लोग यहाँ पर इसमें दिखाए हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनके जो साइंस बने होते हैं वो ट्राइंगल में, स्क्वायर में, राउंड में बने होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? देखिए, इसमें क्या है, ये स्क्विड गेम जो यहाँ पे खेला जाता है साउथ कोरिया में, तो बहुत ज्यादा फेमस गेम भी है, और आपने देखा कि लास्ट राउंड में वही गेम खेला जाता है, तो वहां पे आपने देखा होगा ग्रिड बने रहते हैं अलग अलग तरह के, तो स्क्वायर होता है वहां पे, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, तो वहां से उन्होंने सिंबल्स उठाए। पर ये बता देना चाहता हूँ, जो सर्कल है वो बेसिकली वर्कर क्लास है, यानी कि जो ये जो तीन हायरार्की में डिवाइडेड हैं जो यहाँ की जो सिक्योरिटी है, तो जो सर्कल हैं वो लोएस्ट क्लास हैं, वर्कर हैं। जो ट्रायंगल हैं वो उससे ऊपर वाले लोग हैं, दे आर द पीपल जो गन वगैरह हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल वालों के हाथ में गन है, जो सर्कल वाले हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल वर्कर्स हैं, सफाई वगैरह का काम है उनका, और जो ट्रायंगल वाले हैं उनके हाथ में गन है। जो स्क्वायर वाले हैं वो मैनेजर्स हैं, यानी कि वो हायरार्की में ऊपर हैं, और वो ऑब्वियसली फ्रंट मैन को रिपोर्ट करते हैं, और फ्रंट मैन यू नो जो गेम के जो ओनर्स हैं उनको रिपोर्ट करता है। तो सर्कल सबसे नीचे, ट्रायंगल वाले उससे ऊपर जो गन वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं, स्क्वायर वाले मैनेजर, और मैनेजर रिपोर्ट करते हैं फ्रंट मैन। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो वर्किंग क्लास है उसको भी शायद कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है ये, जो बहुत ही ब्रूटल वे में डिपिक्ट करता है, बहुत ही ब्रूटल वे में डिपिक्ट करता है। इसमें दिखाया है कि यू नो दैट्स व्हाट यू आर एट द एंड ऑफ द डे। आप कितना भी अपने आप को बता दो कि नहीं आई एम वर्किंग, सो कैपिटलिज्म पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है, जो ये पूंजीवाद है, और जो हमने देखा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म जो आजकल देखने को मिल रहा है उसकी एक बहुत डार्क साइड इसमें देखने को मिलती है। एक यहाँ पे छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सजीव जी, वो ये कि एक्चुअली में जो हुआंग जो हैं ये खुद बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस गुजर रहे थे। 2008 में इनकी एक स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी और ये बहुत डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे, तो वहां से इन्होंने आइडिया लिया कि क्या कभी ये ऐसे वर्ल्ड में जा सकते हैं जहां इनको पैसे दिए जाएं और अपनी, चाहे भले ही इनको जान दांव पे लगानी पड़े, लेकिन अपना उधार उतार पाएं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से ऊपर उठ पाएं। साथ ही साथ ये बैटल रॉयल जैसे जो मांगा है और कॉमिक बुक्स होते हैं उसके बहुत बड़े फैन थे, तो ये जाया करते थे उन दिनों में, क्लब्स में जाया करते थे, लाइब्रेरीज में जाया करते थे, बैटल रॉयल टाइप की कहानियां और अलग अलग तरह के मांगा पढ़ते रहते थे, और धीरे धीरे इनके दिमाग में ये आइडिया बढ़ता जा रहा था। तो एक तरह से ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी है काफी हद तक, जो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो डिफिकल्टीज देखी और जो इन्होंने पढ़ा, जो इन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं ये जो उपज है ये इनके जो दिमाग से निकल के आई है ये पूरी तरह से फिक्शन नहीं है, ये काफी हद तक इनकी अपनी जिंदगी से भी प्रभावित है, उस पे आधारित भी है। जी मुर्तजा भाई, एक बात और मुझे जो ऑब्जर्व हुई वो ये है कि अगर हम दो सबसे सक्सेसफुल वेब सीरीज को देखें, लाइक मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम, तो दोनों में ही ये रहा, जैसे आपने बताया कि ये इनको एग्जीक्यूट करने में बहुत स्ट्रगल लेनी पड़ी जो इसके मेकर्स थे, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो नए बहुत ही ब्रांड न्यू आइडियाज़ होते हैं, बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज़ होते हैं, उनको लेकर अभी भी हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सोचने वाले, मतलब जो क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करने वाले जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स लोग हैं, वो अभी बहुत वो नहीं होते कि एकदम नए आइडियाज़ को चांस दें। देखिए अभी कितना 10-12 साल इस वेब सीरीज को लगा कि लाइमलाइट में आने के लिए, इसी तरह से मेरे ख्याल से मनी हाइस्ट भी जब स्पेन में रिलीज हुई थी तो इतने ज़्यादा लोग उसको नहीं मिले थे और उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि हम उसको और सीजन नहीं बनाएंगे, बट आज वो 5 सीजन चल रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम लोग क्यों नहीं एकदम अनकन्वेंशनल प्लॉट्स को
मौका देते? सजीव जी, एक्चुअली बड़ा ही मुझे इसमें अफसोस होता है कहते हुए कि अमेरिकन सिनेमा की जो हम बात करते हैं या हॉलीवुड की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा चकाचौंध इन्हीं लोगों के पास है। लेकिन 2010 के दशक से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ सुपर हीरो फ्रेंचाइजेज में अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो जो बाकी की जो फिल्म्स बनती थी, बाकी के जो आइडियाज होते थे, वो धीरे धीरे इन लोगों ने ओवरलुक करना शुरू कर दिया। वो तो एक किस्मत की बात कहें या चांस की बात कहें कि नेटफ्लिक्स उस दिनों में इतनी बड़े प्लेयर की तरह उभरा और नेटफ्लिक्स ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, अगर हम मार्टिन स्कॉर्सेसी की ड्रीम प्रोजेक्ट द आयरिशमैन की बात करें, तो वो बन ही नहीं पाता अगर नेटफ्लिक्स ने उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना दिखाया होता। अल्फांसो क्यूरॉन की जो रोमा है वो बन ही नहीं पाती अगर नेटफ्लिक्स ने उसमें इन्वॉल्वमेंट ना की होती। मैंग जो फिल्म बनाई है डेविड फिंचर ने, वो बन ही नहीं पाती अगर नेटफ्लिक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हुई होती। स्क्विड गेम शायद अगले 10-15 साल और नहीं बन पाता अगर सिर्फ कोरियन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहते और नेटफ्लिक्स ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ना किया होता। तो नेटफ्लिक्स की बात करें, कुछ हद तक अमेजोन की बात करें, या आप जो डिज्नी की नई सीरीज आ रही हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो उनकी जो अंदर की एक क्रिएटिविटी होती है, कुछ नया करने की भावना होती है, उसको सपोर्ट किया है, उसको पुश किया है, और उसी वजह से ये कुछ नए तरह के शोज निकल के आ रहे हैं। डिफिकल्टीज इनको बनाने में इसलिए जरूर हुई क्योंकि जब आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो एक बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कई बार आप कुछ करते हैं वो हो नहीं पाता तो आपको रीडू अनडू थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। तो अनलेस आपके पास ऐसा प्रोड्यूसर है जो पूरी तरह से आपको बैक कर रहा है, आपका सक्सेसफुल होना बहुत लो प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। तो इसलिए नेटफ्लिक्स की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स पूरी तरह से बैक करता है, एक बार वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो पूरी तरह से बैक करता है। आयरिशमैन को उसने पूरी तरह से बैक किया, उसने स्क्विड गेम को भी पूरी तरह से बैक किया, और इसीलिए हमारे पास इस तरह का कंटेंट निकल के आ रहा है। और आई थिंक आई होप कि ये ट्रेंड यूं ही चलता रहे और अच्छे अच्छे ऐसे कंटेंट आते रहें, और नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो कन्वेंशनल प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो अभी तक रिस्क लेना नहीं चाहते थे, उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी, वो भी नेटफ्लिक्स के तर्ज पर ही अब नए तरह के कंटेंट को, नए तरह के स्टोरी टेलर्स को इसी तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि और क्रिएटिव थॉट्स और आइडियाज आगे आए, क्योंकि हम बार बार सेम चीज को रिपीट नहीं कर सकते। वी कैनॉट यू नो डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। गॉडफादर हो गई, ठीक है आगे बढ़िए, गांधी हो गई, ठीक है आगे बढ़िए, शोले हो गई, ठीक है आगे बढ़िए, कुछ नया करना है। तो अब स्क्विड गेम हो गया तो अब ये नहीं कि आप बार बार स्क्विड गेम ही करते रहेंगे, मनी हाइस्ट हो गया इसका ये मतलब नहीं आप बार बार मनी हाइस्ट करते रहेंगे। आजकल की ऑडियंस ही बहुत डिमांडिंग है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, उसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। अब ये वो वाली ऑडियंस नहीं है कि जिसको आप कुछ भी दिखाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, डिमांडिंग ऑडियंस है, तो ये भी हमेशा आपको पुश करती रहेगी। तो हमेशा आपको ऑडियंस से एक लेवल आगे ही सोचना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को लगातार टेस्ट करते रहेंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, थैंक यू मुर्तजा भाई। मेरे साथ प्राशीन भी हैं। प्राशीन, उन्होंने अपना कैरियर जो है एज ए फिल्म क्रिटिक से शुरू किया था, एंड आज वो एक फिल्म मेकर हैं। उन्होंने राखोश जैसी फिल्म बनाई है जो संजय मिश्रा उसके अंदर स्टार किया था उन्होंने, और अभी वो एक उनकी नई फिल्म जो है नवंबर में रिलीज होने वाली है। तो प्राशीन जो है वो फिल्म क्रिटिक ज़रूर हैं, और अहवान जी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे उभरते हुए फिल्म क्रिटिक्स हैं और बहुत रेडियो प्लेबैक इंडिया में सक्रिय हैं। लेकिन इन दोनों ने बदकिस्मती से अभी तक ये इनको देखने का समय नहीं मिल पाया है, काफ़ी बिजी रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा प्राशीन, आप कुछ पूछिए मुर्तजा जी से अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। या सो बेसिकली मुझे ये, मैं अभी एक क्लच करके वेब सीरीज कर रहा हूँ जो वीकली रिलीज है, और मेरी नवंबर में छोरी करके फिल्म आ रही है, तो थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। लेकिन इसका जो विजुअल है, जो फर्स्ट लुक है ये इसका, जो आइकॉन आपको दिखता है, जो थंबनेल दिखता है नेटफ्लिक्स में, और जो सोशल मीडिया पे इसके पोस्टर्स आते हैं, इसमें एक डॉल है और वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में पहने हुए लोग हैं, तो ये इतना इंट्रिगिंग है कि मुझे लगता है ये फर्स्ट लुक के कारण भी इनको बहुत सारा ऑडियंस मिला है, क्योंकि ये इंट्रिग है और मैं ये जरूर देखना चाहने वाला हूँ। प्लस मैं एक बात ऐड कर दूँ यहाँ पे कि ये जो डॉल है, जो बड़ी डॉल है, वो उससे भी मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ, और नागपुर में आप अगर गूगल करोगे तो पीली मार्बत और काली मार्बत का एक प्रोसेशन निकलता है। सो पीली इज गुड एंड काली इज इविल, तो पीली मार्बत आती है और तो वो एक प्रोसेशन निकलता है, गूगल करोगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो मैं उससे एकदम से कनेक्ट हो गया कि अरे ये इतनी बड़ी जो मूर्ति है, ये कुछ सिमिलर तो नहीं है,
हालांकि वो सिमिलर नहीं है अभी मुझे पता चला, बट ये वो एक विजुअल प्रमोशन और जो फर्स्ट लुक था पोस्टर पब्लिसिटी उसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ है ये पर्टिकुलर अटेंशन सीकिंग में। तो आप मुझे बता सकेंगे कि ये डॉल क्या है, ऑफ कोर्स विदाउट स्पॉयलर्स? प्रसन्न जी एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, अभी महाराष्ट्र पुलिस ने इस डॉल को लेकर जो ये गेम खेलते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट उसको लेके एक बहुत अवेयरनेस ट्रैफिक अवेयरनेस को बढ़ाने वाली एक एड निकाली है, ट्विटर पे डाली है और उसमें दिखाया गया है कि जैसे ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप गाड़ी आगे चढ़ा सकते हैं और रेड लाइट का मतलब है आपको गाड़ी वहां रोकनी है और अगर आप रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी तरह से इस गेम को खेलते हुए प्लेयर्स को भी दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा अगर वो रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे। तो आइडिया सिर्फ ये है कि ये डॉल को जो लेके आए हैं ये डॉल बेसिकली रिलेटेबल है, ये सारे खेल जितने भी स्क्विड गेम में हो रहे हैं सारे वो गेम है जो बच्चे बचपन में खेलते हैं। ओके, तो एवान भी हमारे साथ हैं। एवान, आपने भी अभी तक सीरीज नहीं देखी, आई नो कि आप अपने नेटिव प्लेस में गए हुए थे तो आपको शायद टाइम नहीं मिला, बट डू यू फील गिल्टी आफ्टर लिसनिंग टू मुर्तजा कि आपने अभी तक क्यों नहीं देखी? हाय सजीव, हाँ ये मेरे लिस्ट में है देखने के लिए, बट एक चीज मैं मुर्तजा जी से पूछना चाहूंगा कि विथ स्क्विड गेम क्या आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस के लिए कोरियन ड्रामास, राइट, कोरियन ड्रामा कोरियन थ्रिलर का इन्फ्लक्स और होने वाला है? बिकॉज अभी तक जो स्क्विड गेम से पहले जो मूवीज आ रहे थे कोरियन नेटफ्लिक्स पे प्राइमरीली कोरियन ड्रामास एंड कोरियन क्राइम थ्रिलर्स दैट वाज मेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, बट इसमें क्या हमने ये देखा कि स्क्विड गेम ने पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है ऑडियंस को। सो आपको ऐसा कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है इंडियन ऑडियंस विल बी मोर रिसेप्टिव टू कोरियन फिल्म्स और ऑफ दैट जॉनर? देखिए ट्रेडिशनली क्या रहा है हमारे यहाँ पे कि हम बहुत सारे कोरियन ड्रामास को रीमेक करते थे अनऑफिशियली। क्या होने वाला है कि बहुत सारे ऑफिशियल रीमेक्स होने वाले हैं कोरियन शोज के। इससे पहले कोरियन मूवीज के हमने देखा था अनऑफिशियल रीमेक्स होते थे, कोई भी बना लेता था, पर ऑफिशियली होने वाला है। जैसे मोंटाज नाम की फिल्म का तीन नाम का ऑफिशियल रीमेक हुआ था, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अब कल को कोई स्क्विड गेम का कोई ऑफिशियल इंडियन रीमेक आ जाए या अगर किसी मूवी का ऑफिशियल रीमेक आ जाए तो होने वाला है, क्योंकि कोरियन का जो कंटेंट है वो काफी हद तक रिलेटेबल होता है, इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, उनकी भी प्रॉब्लम्स उनके इश्यूज काफी सिमिलर हैं। तो अगर हम अमेरिकन वर्ल्ड से कंपेयर करें या यूरोपियन वर्ल्ड से कंपेयर करें, कोरियन वर्ल्ड हमारे काफ़ी नज़दीक है, के शोज के ड्रामास हमारे काफ़ी नज़दीक हैं, तो आई एम श्योर रिलेटिबिलिटी ज़्यादा है। तो ज़रूर आने वाले दिनों में हमें और सारे कोरियन शोज और कोरियन मूवीज़ की अडेप्टेशन हिंदी में दिखेंगे। हाँ मुर्तजा भाई, वो रिलेटिविटी है काफ़ी आता, क्योंकि एक इसमें एक डायलॉग भी आता है, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक लेडी जो है वो अपने बच्चे को कहती है कि भाई अगर ये तुम्हारी बेटी कल को दूसरी जगह चली जाएगी नॉर्थ में चली जाएगी तो वहाँ पे उसका कल्चर चेंज हो जाएगा, उसकी भाषा चेंज हो जाएगी। तो ये डर हम इंडियंस को भी हमेशा रहता है कि हमारे बच्चे जब यूएस चला जाएँ या यूके चले जाएँ कहीं बाहर चले जाएँ तो हमें लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये रिलेटिविटी तो मुझे नजर आई और भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। बिल्कुल, और आप उसमें अगर कैरेक्टर्स देखें तो उनके जो चैलेंजेस हैं उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो काफी हद तक सिमिलर हैं। अगर हम इंडियन मिडिल क्लास की बात करें तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के करीब रहते हुए सारे अपने गोल्स अचीव करें, अपनी लाइफ की सक्सेस अचीव करें। तो वहाँ भी आप देखिए कि वो शख्स अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है, अपनी बेटी से प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसकी वाइफ का उससे सेपरेशन हो गया है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसकी जॉब जा चुकी है, जो उसके बाद उसने जो बिजनेस करने की कोशिश करी रेस्टोरेंट बिजनेस में गया, वहाँ सक्सेस नहीं मिली। तो बहुत सिमिलर है, आई थिंक जो इंडियन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है वो उससे काफ़ी हद तक रिलेट कर सकती है, हमारे भी चैलेंजेस कुछ सिमिलर हैं। और सिर्फ स्क्विड गेम की क्यों, और भी बहुत सारी जो कोरियन शोज होते हैं, पैरासाइट की भी अगर हम बात करें जो साउथ कोरियन फिल्म अभी ऑस्कर जीती थी, काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म रही थी 2019 की, उसमें भी जो कैरेक्टर्स थे जो सिनारियोस थे जो उनकी पॉवर्टी थी जो अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस था वो काफ़ी हद तक रिलेटेबल है। तो आई थिंक हमारी सोसाइटीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जिस वजह से रिलेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारी इंडियन ऑडियंसिस की कोरियन कंटेंट के साथ। मुर्तजा भाई, एज ए क्रिटिक आप अगर स्क्विड गेम को रेट देना चाहेंगे तो कितना देंगे आउट ऑफ 5? देखिए मैं ये किसी को बता रहा था, कोई क्रिटिसाइज कर रहा था कुछ दिन पहले स्क्विड गेम को कि स्क्विड गेम इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो मैंने उनको कहा कि आई एग्री इट इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट जस्ट बिकॉज गोल्ड हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस डजंट मीन
that you know other metals don't have their relevance. Copper has its own importance, you know, tin has its own importance, aluminium has its own importance. So ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि स्क्विड गेम इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड. अगर हम लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग की बात करें तो स्क्विड गेम इज नॉट योर ब्रेकिंग बैड. ब्रेकिंग बैड या वायर नहीं हो सकता, या सुप्रैनोज नहीं हो सकता. इट इज नॉट यू नो इवन गेम ऑफ थ्रोन्स फॉर दैट मैटर. तो वहां पे मैं बोलूंगा कि आपको एग्री करना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दे मे नॉट बी ग्रेट बट दे आर हाईली एंटरटेनिंग, दे आर हाईली एंगेजिंग. तो अगर सिर्फ रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 3/5 में से. लेकिन क्योंकि इसका एंटरटेनमेंट क्वेश्चन इतना ज्यादा है, क्योंकि इसकी रिलेटिबिलिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि इतना बिंज वर्दी है ये, इसलिए 3 की रेटिंग देने के साथ साथ मैं इसको हाईली रेकमेंड करूंगा फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर समथिंग एंगेजिंग, एंटरटेनिंग एंड समथिंग रिफ्रेशिंग. बट आई वोंट कॉल इट द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ यू नो लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग. देर आर वेरी मेनी बेटर शोज आउट देयर. हर हर कंट्री के जो बहुत सारे यू नो, अगर मैं नॉर्डिक नोयर सीरीज की बात करूँ, वो बहुत अच्छी अच्छी सीरीज अवेलेबल है. अमेरिका में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है. इंडिया में भी काफ़ी अच्छे वेब शोज अवेलेबल हैं जो स्क्विड गेम से सिनेमेटिक क्वालिटी में या स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी में बेटर हैं. पर स्क्विड गेम की जो अपनी खासियत है वो उसको यूनिक बनाती है, और इसीलिए वो 3 स्टार के बाद भी मैं उसको इतना हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ. ओके तो मुर्तजा भाई, आपने क्रिटिक्स एज ए क्रिटिक्स हमें बताया. सुशील मेरे साथ ना, सुशील एज ए दर्शक बता सकते हैं कि इन्होंने देखा है स्क्विड गेम को. मैं जानना चाहूंगा कि एज ए ऑडियंस, सिंपल ऑडियंस, आपको ये कैसा लगा शो? गुड आफ्टरनून मुर्तजा जी एंड प्रशीन, एवान एंड सजीव, वेलकम टू रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये फिल्मी चर्चा. तो मैंने ये ऐसे ऑडियंस व्हेन आई सॉ, आई थिंक मुर्तजा जी बहुत अच्छी तरह इनकैप्सुलेट किए हैं इस होल सीरीज को, इन शॉर्ट व्हाट दिस सीरीज इज. तो मैंने जब ये एपिसोड्स आई हैव सीन इन पार्ट, सो फर्स्ट 2 एपिसोड व्हेन आई वॉच्ड एज एन ऑडियंस, मेरा इन्फ्लुएंस ये था कि फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि दिस इज अ वेरी वायलेंट सीरीज. And the message you are giving through this series is that you are ready to do, if you are to survive, you are ready to do anything, even kill people, right? So first 2 episode mein mujhe aisa impression aaya ki bahut violent hai. Then I watched the remaining episode, then bahut clear hua ki there is a morality in this. Ek moral story hai that finance, sirf having money is not enough, right? Even who has immense money is not happy. And there is a moral value which is very important for you to be successful. Usme jo person jeetta hai, his moral values hai, so aadmi hai, ethics hai, so person hai. And only that wins, right? So, if you see the whole series, I felt this series has lot of learning. Ki finance kya hai, depression kya hai, how do you handle the depression, how you handle struggles. And usually thriller movies mein ek cheez hota hai ki jab you are in a very thrilling moment where last moment usko extend kar dete hain bahut zyada. Like इसमें ऐसे सीरीज है जब दे आर टू फिनिश द लाइन, दे डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड ए पॉइंट. दूसरे थ्रिलर्स में आप देखते हैं कि वो ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं कि यूर टेंशन इज क्रिएटेड मोर एट द लास्ट पेनल्टीमेट मोमेंट, बट यहां ऐसा नहीं किया. द मोमेंट इट इज देन प्रैक्टिकली इट शोज ओके ही जंप्स इनटू द नेक्स्ट लाइन. ये बहुत डिफरेंट लगा मुझे, बट अगेन इट अगेन ये इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है जब फिल्म देखते हैं, ईच पर्सन विल हैव इट्स ओन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. तो उसमें तो डिबेटेबल रहेगा, लेकिन दिस इज माई ओपिनियन दैट इफ यू हैव टू सी द फुल सीरीज देन यू वैल्यू दिस. अदरवाइज फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखेंगे तो लगेगा आई डोंट वॉन्ट टू वॉच ए वायलेंट सीरीज और समथिंग. I'm recommending my daughter also to see how you have to fight through. There's one game where there's a lot of teamwork. Some people have the idea of experience bringing into and helping the others who are physically good. So mera yeh influence Murtaza ji. I think you have hit the nail on its head, and I absolutely agree with you, and you have touched upon some very many interesting points, and I absolutely agree with you that the real fun of watching Squid Game is to watch in its totality. If you watch it in parts, then you will probably miss a lot of, you know, fun, and you will also miss the underlining message. So it's very important to watch it in the whole. And I have also done an editorial on this for the Sunday Guardian for this week's edition, in which I have also tried to touch upon different aspects of it, the morality of it, you know, and how and where is it placed in terms of ethics, in terms of morality, और इसकी क्या repercussions हैं इस तरह के show के successful होने के, क्या positive side हैं, क्या negative side हैं. यहाँ मैं इसके साथ 2 और interesting चीज़ें recommend करना चाहता हूँ. एक तो एक film है Platform नाम की, जो Netflix पे available है. It's called The Platform. It's a Spanish film.
इट्स अ फिल्म वेयर पीपल आर कैप्ट इन वर्टिकल प्रिजंस और वहां पे फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है टॉप टू बॉटम. तो जो ऊपर वाले हैं दे गेट टू ईट द मोस्ट और धीरे धीरे फिर लेफ्ट ओवर्स मिलते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इन द सेम स्पिरिट, कॉम्पिटिशन, सेंस ऑफ पैरानोया, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और स्पेशली पेंडेमिक टाइम्स में उसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है. तो प्लेटफॉर्म में रेकमेंड करूंगा अगर आपको स्क्विड गेम पसंद आया. और साथ ही साथ स्नोपियर्सर जो एक फिल्म है, अभी सीरीज भी आई है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा फिल्म देखिए. ये बोंग जून हू की फिल्म है जिन्होंने पैरासाइट बनाई थी जो इतने सारे ऑस्कर्स जीती थी. तो दो ये फिल्म जरूर देखिए अगर आपको स्क्विड गेम पसंद आया है तो. प्लेटफॉर्म स्पेनिश फिल्म और ये स्नोपियर्सर जो कोरियन फिल्म मेकर की जो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है स्नोपियर्सर, वो जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. और इसी तरह की थीम्स और इसी तरह की जो आइडियाज हैं उनको आप दोबारा रिलिव करने का मौका मिलेगा. हाँ, तो एक हमारा जो डिस्कशन ये स्पीड गेम के साथ साथ ये भी हुआ है कि ऐसे यूनिक आइडियाज और यूनिक प्रोजेक्ट्स को अभी जो बैकअप मिल रहा है नेटफ्लिक्स की वजह से, ये मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि नेटफ्लिक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये रहा कि उसने लोकलाइजेशन किया इन टर्म्स ऑफ सबटाइटल्स एंड डबिंग ऑप्शंस, राइट, ऑडियो ऑप्शंस. सो जो लोग सबटाइटल्स के साथ कंफर्टेबल है वो सबटाइटल के साथ में देख सकते हैं, और फर्दर अगर वो लोकल लैंग्वेजेस में डब करके वो ऑप्शन देते हैं तो लोग अपने लैंग्वेज में सुन भी सकते हैं. ये जो ऑडियंस का कैटेगरी था ये किसी ने टैप नहीं किया था पहले, और ये ह्यूज है. Different kind of audiences, and that is what Netflix has captured, and that gives them the strength to try out new and different type of content. So that is the point I wanted to put here, why this kind of content is getting made now. Yes, Prashant, ये बहुत अच्छा point है. और मेरे ख्याल से ये स्क्विड गेम भी काफी, मेरे ख्याल से 4-5 languages में available है in India only. So that makes a huge impact. Yeah, बहुत है. इंसान, हर इंसान अलग है, कोई सबटाइटल प्रेफर करता है और कोई वॉइस. जो लोकल कंटेंट है वो आज ग्लोबल है, जो लोकल जो बोल रहे हैं मेड इन इंडिया, मेड इन एशिया जो बोल रहे हैं हम लोग, ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मोर एंड मोर प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग फॉर इट. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदी की डबिंग एक्चुअली में काफी अच्छी है. इंग्लिश की जो डबिंग है उसको काफी क्रिटिसिज्म मिला है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हिंदी की डबिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है. और आई थिंक उनको भी हम लोगों को सलूट करना चाहिए. दे हैव आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द शो सच अ बिग हिट इन इंडिया एटलीस्ट. Absolutely, Murtaza, this is a very big point you have put here. We should congratulate, because this is a different kind of skill altogether. And itna mehnat jata hai isme piche mein, dubbing aur ye lip sync ko match ke aur dialogue likhne ke liye. To ye aapne bahut acha unko congratulate karke ye point bola hai. Digital streaming world ne ye ek naya category open kiya hai audience ka, jo enable karta hai producers ko to try out new and unique ideas. That was the point I was trying to make. Yes, yes, very much. Today anybody can watch it, you know, even in their local languages, which is great. Correct. And the comfort of their home. Well, thank you so much. I think humne आपसे इतना सुना है, मतलब इतना जाना है मुर्तजा भाई, इतने अच्छे से आपने इस पूरी सीरीज को समाप्त किया है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मज़ा आया बहुत आपको सुनकर. और सुशील ने भी, प्रशांत ने भी, प्रशांत और रहमान ने हालांकि देखी नहीं है फिल्म, बट उनके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. तो मुझे लगता है कि ये पहली चर्चा हमारी काफ़ी सार्थक रही है. नेक्स्ट वीक में हम किसी और फिल्म की चर्चा साथ लेकर आएंगे, और हमारे जो पैनल हैं इनमें से कोई एक सदस्य जो है वो लीड करेगा और किसी नई फिल्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू सो मच मुर्तजा भाई, दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. तो दोस्तों, स्क्विड गेम पर ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें बताएं, साथ ही इस वेब सीरीज पर अपनी राय हमें लिखें radioplayback.in@gmail.com पर. हम आपको बता दें कि ये चर्चा हुई थी रेडियो प्लेबैक इंडिया के क्लब हाउस के क्लब रूम पर, जहां फिल्म चर्चा की ये महफिल सजती है हर रविवार शाम 4 बजे. आप भी यहां आकर इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं अपने विचारों के साथ. तो आप दीजिए मुझे यानी आपका रेडियो साथी सुशील को इजाजत. मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड बाय.
Playback India.